यानी कि हम आंतरिक रूप से किसी व्यक्ति के साथ मोह न रखें और बाह्य रूप से वस्तु विशेष के साथ मोह न रखें। तो अपरिग्रह का पालन करते हुए मोह से दूर रहने का अकिंचनीय धर्मकाज दिन है। मार्च 2020 में एक बहुत ही अच्छा व्यंग मैंने पढ़ा था, जब लॉकडाउन की शुरुआत हो गई थी और हमें यह एहसास होने लगा था कि जो हमने अपनी अलमारियों में परिग्रह कर रखा है वह कितना व्यर्थ है, कितना यूजलेस है। तो इस व्यंग को आपके सामने पढ़ती हूँ कि आज अलमारी खोली तो देखा कि सभी पैंट और शर्ट एक दूसरे से बात कर रहे थे। कहीं सेठ जी ओम शांति तो नहीं हो गए, ऐसा कपड़े आपस में बात कर रहे थे। तो टी शर्ट ने बोला कि नहीं नहीं, कहीं घूमने गए होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। मोजा और रुमाल ये बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे और तपाक से मोजे ने बोला कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे बिना तो सेठ जी कहीं जा ही नहीं सकते, इसलिए सेठ जी कहीं बाहर नहीं गए हैं। यह बात सुनकर नाइट ड्रेस ने तुरंत बोला कि देखो भाइयों, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो 24 घंटे ड्यूटी पर हूँ, यहाँ तक कि मेरे भाई बहन सबकी ड्यूटी लगी हुई है और हर दिन हमारी ड्यूटी बदलती है। यह सुनकर सभी कपड़ों ने अलमारी में रहते हुए राहत की सांस ली और यह तय किया कि हाँ, सेठ जी कहीं नहीं गए हैं, यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। तो ये एक उदाहरण था जो हमें ये बताता है कि परिग्रह करना कितना व्यर्थ है, और इस लॉकडाउन पीरियड में हमें इस बात का पूरी तरीके से एहसास हो चुका है कि आकिंचन्य धर्म का पालन कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज हमारे बच्चों में वीर ग्रुप, जो हमारा ग्रुप है, वो लोग परफॉर्म करने वाले हैं अपनी स्किट। वीर ग्रुप ने उत्तम आर्जव और उत्तम संयम धर्म पर तैयारी की है। उत्तम आर्जव धर्म जो हमें सिंप्लिसिटी से रहना सिखाता है, नॉन हिपोक्रेटिक तरीके से बिहेव करना सिखाता है, हम जैसे हैं वैसे ही रहें और वैसे ही समझे भी जा सके, यानी कि मानव को एक संपूर्ण रूप में इंटीग्रेटेड रहना सिखाता है। तो ये जो इंटीग्रिटी है वो कैसे सेलिब्रेट की जा सकती है और कैसे समझी जा सकती है, ये हमारे बच्चे आपको इस स्किट के थ्रू बताएंगे। सेल्फ रिस्ट्रेंट जो उत्तम संयम धर्म है, जिसे हम कहते हैं कि इंद्रियों का कंट्रोल, इंद्रियों पे नियंत्रण, तो इंद्रियों पे नियंत्रण करने का भी क्या महत्व हो सकता है, ये भी हमारे बच्चे इस स्किट के द्वारा आपको समझाएंगे। इस स्किट में एक रियल स्टेट कंपनी का सीन क्रिएट किया गया है और रियल स्टेट कंपनी के क्लाइंट द्वारा उनके एम्प्लॉइज को एक शिक्षा दी जाती है जो उनके जीवन पर बहुत ही अच्छी तरीके से असर करती है। तो मैं स्वागत करती हूँ वीर ग्रुप का अपने परफॉर्मेंस के लिए। वीर ग्रुप, यू कैन स्टार्ट। जय जयंत, आज हम लोग आप सभी को एक छोटा सा प्ले दिखाएंगे जो कि उत्तम संयम और उत्तम आर्जव का इम्पोर्टेंस बताता है। हम लोग Don't worry, we'll fill you in later. For now though, Bossy Boots is waiting for us, so I better go before she gets annoyed. We'll deal with that later. You new girl, do you know what you're here for? Good. So the assignment for today, this is important, so you all better pay attention. Now, you know that rundown house a few minutes away? Well, as you all know, I need that final house bought so that I can start building the new mall. The house is a really stubborn owner though, but I'm sure you two know what to do. Do anything and everything it takes to get it. You new girl can watch and learn from them. Don't let me down. We will get that house. Good. Go on then. Gosh, she is torturing human form. She was always like that. Sometimes I feel like
gives us joy. Ultimately, money brings happiness, right? Not necessarily. Why do you say that? Money may bring you happiness, but not for eternity. It's temporary. Whatever. We ain't gonna live forever anyways. Oh, look. We're nearly here. Boss ne aur dono salesman mein sayam nahi hai. Kyunki wo dono illegal kaam karte hain taki unhe paise mile. Dono ko hi farak nahi padta ki kisi ka bura ho ya bhala. Sayam ke bina koi bhi sahi ya galat ya fir nyay ya anyay mein farak nahi dekh pata hai. The salesmen have now reached the house. Okay, Aishi. You better not say a word. Yeah, sure, whatever. I'm gonna knock. Look professional. Hello? Hello, sir. We are here to talk about the situation with your house and sorry, the mall being built over this land. I've had this conversation before and I'm not interested. Oh no, sir. Please, give us a chance to go through the deal with you. Look, I don't have a lawyer present right now, so could you come some other time? Oh, sir, we don't need your lawyer. It's only you who needs to know. Now I'm asking you to let us in or we'll barge in. What can I say? Come in. So, jaise ki हम लोग देख सकते हैं, दोनों सेल्समैन इलीगल काम कर रहे हैं ताकि उनका खुद का काम हो जाए. They have three thorns currently present in their minds which obstruct them from living a happier, honest and simple life. They are deceit, which is maya, wrong belief, which is mithya, and the ambition of reward for a good deed, which is nidha. Let's see if any of these three thorns present in these salesmen are removed. I thought we were supposed to make a deal with a lawyer present. So in exchange for your house, we are ready to offer you. Look, I'll be clear right now. I'm not interested in how much you pay me. My answer will be no regardless. What is the issue with you? You live in this rundown house and from what I can see, you don't even have too many possessions, which means you're probably poor. We're offering you more than enough money as your compensation, and you still don't seem to agree. But the main thing is that I'm satisfied in my situation. I have just enough space for me to live in, and this has been my home for over 4 years. As for the fact that I have minimal possessions, well, I choose not to buy more than I need, as too many possessions can clutter your physical as well as your mental space. You're one bizarre personality. And look, even if I agree with you, I still have direct orders from my boss to get this done with. If we legally take this house from you, you won't even get half the amount that we are willing to pay right now. You know that our company will do anything to take this house from you. Wait, this isn't what I signed up for. Why isn't this being legally taken care of? I thought a company... I'm sorry, sir. Would you excuse us for a minute? Aishi is new to the company, so she isn't experienced yet. Right, Aishi, first of all, we told you not to interrupt us at any cost. You're new around here, and you were told to watch and learn. Secondly, no company is 100% legitimate. Every single one of the companies have to work illegally at some times to get things done quick and effectively. Well, if I knew this is what took place behind these huge company names, I would never dare to work there. Also, why are you still working here in the first place? You guys aren't even satisfied or happy through this job. All you lot do is complain about how miserable you are. They're saying that money brings happiness. Sorry, I'm interrupting your private conversation, but I overheard Aishi and she's absolutely right. I'm the owner of a well-known company, yet I've consciously chosen to follow the path of Arjavan Sayam. Not just because it's preached about in my religion, but because it makes sense by applying it to my life. From back when we were in school, we always thought that to be successful in life, you should get a good education, which would lead me to a good job, that would pay me a lot of money.
We were taught that being successful equals being rich. Well, from your personal experience, you can say for a fact that isn't true. Tell me something very honestly. Do you feel more pleasure in doing something that requires honesty and integrity, or something you asking you to commit fraud and lead a deceitful life? Well, in the job that I had before, there wasn't any illegal work to do. But as a result, I got paid way less. And I can say for sure that I had better relationships both within and out of my job. Whereas now, yes, I do have a huge house with expensive possessions, but afterwards I forget they even exist and still always want more. Maybe what you two are saying makes sense. Maybe I'm wrong. आपने बोला उसको बाहर लेके जाओगे तो हमने अभी तक ये सीखा है कि सिंप्लिसिटी और सेल्फ कंट्रोल ही सब कुछ होता है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए अपनी इच्छाओं और बुरी आदत पे कंट्रोल रखोगे तो कुछ हद तक आप खुद पे कंट्रोल पा पाओगे जितना है उसी में खुश रहिए और अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें मैं नीचे जाऊं मम्मा सो वी ऑल नीड टू इंप्लीमेंट चेंजेस to our life, but not a few weeks or months later, but now, constraint. The only thing you should be hasty in is to changing yourself for the better and take decisions for the I agree. I'm going to make positive changes in my life, starting with quitting that job. Our boss is going to be so annoyed. So, sir, I'm extremely sorry that we barged into your house and threatened you. Forgive us. That's okay. Amazing. I'm going to do that too. Also, thanks to you, sir, now, we now understand what true happiness means and also what to do in order to achieve That's it. That's okay. I mean, you're welcome. Also, I would like to offer you three jobs, a salesman and a saleswoman. I won't be able to pay you as much as your previous boss did, but at least you guys will earn enough to keep your current houses going. I'm sure we'll accept your kind offer. मुझे तो बहुत पसंद आया कि ये प्लेग कैसे खत्म हुआ है कभी-कभी सब गलतियां करते हैं पर उससे शर्मिंदा होकर और उसको छुपाकर वो फिर भी झूठी कहलाता है पर इस प्ले में दोनों सेल्समैन ने अपनी गलतियां मान ली और उन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ दी ताकि वो फ्रॉड से ना जुड़े आशा है कि आप सभी ने ये प्ले को एंजॉय करा हो और आपने कुछ हमारे धर्म के बारे में सीखा हो जय जिनेंद्र एंड थैंक यू बहुत सुंदर प्रस्तुति थी वीव टीम एक बार ताली बजाकर हम अभिवादन करेंगे थैंक यू वेरी मच पार्टिसिपेंट्स के अलावा सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने आप को म्यूट रखिए बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो बहुत ही सुंदर तरीके से हमारी टीम ने बताया कि कैसे हम उत्तम संयम और उत्तम आजव धर्म का पालन अपने प्रैक्टिकल जीवन में कर सकते हैं तो एक बार हम अपने इन पात्रों का परिचय करते हैं अनन्या मलैया वॉज अ नरेटर अनन्या प्लीज Then we had Kavya Shah as an employee. Then we had Rishit Jain as an employee. Then Aishi was a newly joined employee. Then Paras was the house owner. Thank you very much, team. तो अभी इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम ऐसा वीर प्रभु ने हमें सिखाया है तो हम इसका अर्थ तो समझ लेते हैं कि क्षमा जो है वो वीरों का आभूषण है परंतु वास्तव में क्षमा को कैसे रियल लाइफ में सीखा जा सकता है तो इसका अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि हमने क्षमा मांगी और किसी को क्षमा कर दिया सामने वाला अगर हमसे क्षमा नहीं भी मांग रहा है तो भी हम अपने मन से उसके प्रति कोई भी अगर द्वेष हो तो उसे मिटा देने के लिए उसे क्षमा कर देते हैं और यही क्षमा धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है तो आइए देखते हैं कि 7 साल की एक बच्ची इस स्किट के अंदर कैसे क्षमा धर्म का पालन करना सीखती है अपनी फैमिली से सो प्लीज वेलकम सन्मति टीम
Jai Jinendra, everyone. Today, Sanmati group of the Ahimsa Patchala will be presenting about Uttam Shama, a festival celebrated in the Pollution Parv by Jains. Before performing three role plays centered around the concept of forgiveness, we would like to give you some facts about Uttam Shama. Uttam Shama is the first dharam out of the 10 dharams of Jainism. The word Shama means patience, forbearance, and pardon. It means we should not cause misery to any living beings or get angry when something unpleasant happens. Shama is the inherent virtue of... When a soul becomes ill-natured, then it is called ragi, attached, or dwish, hateful. It has been said, to err is human, to forgive divine. This means that it is normal to make errors, but if you forgive others, you rise above them. Another saying is to pardon an enemy or a friend, both are the jewels of Yatis. This means it is just as important that you forgive anyone, regardless of whether they are your friend or your enemy. It is just as important to forgive both. Now we will look at some examples of how forgiveness could occur. Reet is a 7-year-old child. Her mom is currently out of the house, but before she left, she told Reet not to touch her expensive jewelry in the cupboard. Reet is getting bored, so she decided to look through her mum's wardrobe anyway. Reet, I am going shopping for a while now, and I'll be back home soon. Remember, don't do anything silly, and especially do not go through my jewelry drawer. Bye! I'm so bored. How about some dressing up? I love these bracelets. I need to try on all of them. Listen to me. Your mind, Reet. Your mom told you not to do this. You'll be very angry. Listen. I know my mom told me I wasn't allowed to touch them, but maybe if I'm extra careful, she won't notice. Wow, these are so pretty. I love dressing up. Reet, I'm home. Open the door for me. My hands are full with shopping. Wait, was that my mum knocking on the door? I'd better put these back quickly. Wait, where's the other one? Oh no, I think I've lost it. Own up to your mistakes, Reet. Maybe if I won't tell my mum, she won't notice the other earring's gone. One week later, Reet and her mum are getting ready for a party. Mum, hurry up. We're going to be late for the party. One second. I'm almost ready, but I can't seem to find my other earring. I remember I put it in this drawer last week, and I haven't touched it since then. Where could it have gone, Reet? Do you know? Which ones? My gold ones, which were in the drawer with all my other expensive jewellery. I remember I told everybody that they weren't allowed to touch anything in that. I don't know where they are. I haven't even touched them. Reet, are you sure you're not hiding anything from me? I know how much you love dressing up as my jewellery. I just want you to tell me the truth. Ask for forgiveness, Reet. Fine. I'm really sorry, Mum, but that day you left me at home, I started to try on your jewellery and I think I might have lost it somewhere. I promise I won't do anything like this again. I hope you'll forgive me. Everybody makes mistakes sometimes, and I know you wouldn't lose it on purpose, so I forgive you. Next time, just tell me the truth in the first place, and don't try to hide it from me, and I won't be mad. Now come and help me find this other earring. It must be here somewhere. This is how Reet learned to tell the truth, even when she was guilty, and asked for forgiveness without being scared to do so. Everybody makes mistakes sometimes. Now we will look at another example. Anvi, Prisha, and Reet are all students at a school. Their teacher, Akash, makes an announcement that they have an important test today, but Reet completely forgot about it. Oh, we have a test today. Oh yeah, did you guys revise? I spent the whole evening revising yesterday. I think it's going to be really hard. Oh no, I totally forgot about the test. I haven't revised at all. Well, I can't say much apart from good luck.
Oh no, what am I going to do now? I guess I'll just have to try and remember what we learned in class, or guess. It's your best bet. But remember, it's just a little test. It doesn't define you. Good luck. I'm so nervous. How could I forget we had a test? Let's just see what happens. Later in the exam hall. Good luck, everyone. There is a timer up on the screen. Try your best and remember, you'll get 0 marks if you cheat. What am I going to do? I don't know the answer to any of these. I could have a little look at someone's test. Cheating is not a good option. I feel really bad, but I have no other choice. Who could I copy? Prisha said she revised loads yesterday evening. I'll have a sneaky peek at hers. I think I see Ree cheating from Prisha. Oh yeah, she said she forgot about the test. She's my friend, but I still need to do the right thing and tell her afterwards. The 1 hour passes and the test is over. All right, time's up. Put your pens down. I'm just coming to collect all of your tests. So I think we cheated from Prisha in the exam. Looks like I didn't get away with it. Oh no, I knew it was the wrong thing to do. A few days later, Reet and Prisha are called into the teacher's office. I finished marking everyone's papers, but I noticed that both of your answers look very suspiciously similar. Can one of you explain? I have no idea, sir. I revised so much for the exam. Maybe it was a coincidence. Okay, and Reet, do you have anything to say? Well, I'm really sorry, sir, but I completely forgot about the test. I didn't revise at all. I cheated and I know I was wrong. Well, you know that cheating is never acceptable. I'm afraid you get 0 for this test, but I think you've learned your lesson. I think you owe an apology to Prisha since you copied from her. I'm really sorry, Prisha. I was just desperate because I didn't want to fail. Will you forgive me? I can't believe you did that, but I really believe you learned from it. I do forgive you, and remember, it should never come. So here we can see that Reet learned that it's never okay to cheat, and she asked for forgiveness from Prisha, which meant they were still friends afterwards. Now, Samyuk and Anvi are older children hanging out in the school playground. They are approaching Akash, a younger child, who has some pens and a chocolate bar. Reet, a senior student, is nearby. That looks like a nice big chocolate bar you've got there. I bet it's really tasty. Did your mummy give it to you? You mind if I have a little look? But that's mine. Give it back. Let's see. How about no? And what's this? You've got lots of lovely pens too. I think they are too many for one person. Wouldn't it be better to share them with us? But they're mine. What's going on here? None of your business. We're just having a little fun with our friend. Yeah, keep moving. Nothing to see. Actually, they're taking my things. They're bullying me. Did you know when I was younger, my best friend used to get bullied too, and I saw just how much it affected her. She was really sad all the time, and it was just a joke to the bullies, but it meant much more to her. So even if you find it funny, others may not. We were just teasing him. It was all a fun game to us, but now we actually realize how much we are hurting his feelings. You're right. I realize it too now. Even though it was a joke to us, you're making someone else really sad. We're so sorry, Akash. This is the ornament of the brave. I know that you have understood your mistake, so I will forgive you. This is how Anvi and Samyuk learned that although they were having fun teasing and taunting others, it was actually very hurtful to the other person's feelings. So they asked for forgiveness. Akash forgave them because Lord Mahavir said, "Forbearance is the ornament of the brave." Thank you for watching our role play about forgiveness. We hope you learned something new about Uttam Shama, the soul's inherent wealth
when it is stable in one's real nature. To conclude, one who practices forgiveness under all odds without anger is entitled as the possessor of the virtue of supreme forgiveness, which is Uttam Shama. Jai Jinendra. बहुत ही सुंदर प्रस्तुति टीम सन्मति. ये बिल्कुल ही विश्वास नहीं हो रहा है मुझे कि एक ही टीम ने एक ही मतलब एक एक किरदार एक ही व्यक्ति जो है अलग अलग किरदार निभा रहा था. तो इस पूरी टीम का पात्र परिचय भी हमारे लिए एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन हम कैरी करते हैं उस चीज को. सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाती हूँ. सम्यक जैन. सम्यक जैन. जय जिनेन्द्र. ही वॉज द नरेटर इन द प्ले. देन वी हैव प्रीशा. जय जिनेन्द्र. प्रीशा प्लेड रोल ऑफ नरेटर एंड द मदर. देन वी हैव आकाश. जय जिनेन्द्र. Akash played role of narrator and a child and a teacher. Then we have Anvi. Anvi was a student. Then we have Reet. Reet was also a student, and both of them also have been playing the role of narrators. So it was a wonderful play. ये टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत की है और हमारी सभी पांचों टीम की प्रस्तुतियां यहाँ पर समाप्त होती हैं. मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारे ये परफॉर्मेंस पसंद आए होंगे. नृत्य, नाट्य और गायन संगीत के अभिन्न अंग माने जाते हैं और परमात्मा तक पहुँचने के लिए संगीत ही सबसे अच्छा और सबसे सुगम माध्यम है. तो जैसा आपको पता है, आज की संध्या जो है वो भजन के लिए डेडिकेटेड है. तो हम आगे चलते हैं. हमने नाट्य देख लिया, हम भजन संध्या भी देखेंगे. उससे पहले हमारी पाठशाला के महावीर टीम के कुछ बच्चे नृत्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो मैं बुलाती हूँ कैरवी और सृष्टि को अपने नृत्य की प्रस्तुति देने के लिए. सॉरी, you can start now. Achha, okay. काम करना शुरू
थोड़े अक्षर के कंगुल ले देते ले, थोड़े पुष्प सजा कर लेते चले, नैवेद्य बना कर लेते चले, एक दीप जला कर लेते चले। आज प्रभु पूजा करना है हमें, आज प्रभु पूजा करना है हमें। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। क्या हो गया तेरे प्रॉब्लम के बेटा? बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी और विश्वास नहीं हो रहा है हमें कि हम लाइव डांस भी परफॉर्म कर पाए पाठशाला की इस सांस्कृतिक श्रृंखला में। बहुत बहुत धन्यवाद कैरवी और सृष्टि का। तो भजन संध्या की अब शुरुआत होने वाली है। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और एक बात है जो मैं आप सब को बताना चाहती हूँ कि सम्यक पाठशाला की सांस्कृतिक श्रृंखलाओं की आज अंतिम कड़ी थी और अब हम आपसे सिर्फ पाठशाला की क्लास में ही मिलेंगे। जाने अनजाने देव गुरु शास्त्र के विरुद्ध अगर हमसे कोई कार्य हुआ हो तो पाठशाला के सभी अंगों की तरफ से मैं मिच्छामि दुक्कड़म और उत्तम क्षमा मांगती हूँ और आशा करती हूँ कि पाठशाला से आप आगे भी जुड़े रहेंगे, अपने मित्रों को प्रेरित करते रहेंगे और हम हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे। बस अंतिम दो पंक्तियां कहकर मैं विराम लेती हूँ कि बच्चों के नन्हे हाथों को आसमान छू लेने दो, बच्चों के नन्हे हाथों को आसमान छू लेने दो, चार किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी। मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ। आई एम रियली सरप्राइज हाउ वेल दीज किड्स हैव एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट्स जो 10 धर्म की हम बात करते हैं उनको रियल लाइफ सिचुएशंस बनाकर बच्चों ने कितने अच्छे से समझाया इन किड्स में। और वी शुड मेंशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दैट ऑल ऑफ These kids have done so much work under the guidance of Priyaji. They have written it, they have directed it, they have rehearsed it themselves. So a big round of applause for all these kids. और अंत में जो नृत्य पेश किया दोनों बच्चियों ने वो भी बहुत सुंदर। वही भावना हम सभी की है, आओ चलें पूजा करें। So उसी भावना के साथ हम लोग जुड़ते रहें। कल भी सुबह सुबह कल हम जल्दी शुरुआत करेंगे अभिषेक पूजन की, उसमें सभी लोग जुड़ें। और जैसा कि आप देख रहे हैं इन बच्चों ने जितनी सुंदर प्रस्तुति दी उसके लिए हमें ये भी मैं फिर से बताना चाहूँगा, प्रिया जी ने पहले ही कहा है कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है हमारी पाठशाला का। सो जितना ये बच्चे पाठशाला में सीख रहे हैं वही आप देख रहे हैं कि कितनी सुंदर प्रस्तुतियां इस पूरे पर्यूषण में आई। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि जितना अच्छा नृत्य, जितने अच्छे स्किट्स, कई बार हम लोग जब फिजिकली जाते हैं मंदिर तब भी नहीं हो पाते पर्यूषण में, इस बार ऑनलाइन माध्यम से बच्चों ने इतनी सुंदर प्रस्तुतियां दी हैं। तो सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन सभी का फिर से। अब इस तंत्र को आगे बढ़ाते हैं और भक्ति की तरफ हम बढ़ते हैं। सो इस पर्यूषण में विशेष बात हमारे लिए ये रही है कि इसमें हमें गुरुओं का भी सानिध्य मिलता रहा है। हम भले ही देश से बाहर हैं लेकिन हमें गुरुओं का आशीष, गुरुओं का सानिध्य ऑनलाइन माध्यम से मिलते रहा है। तो आइए उसी भक्ति के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा स्वर्णिमा जी को कि वो गुरु भक्ति के लिए जो अपनी अपना भजन है वो लेकर आई है। स्वर्णिमा जी आप प्रस्तुत करें। जय जिनेन्द्र सभी को। गुरुदेव मेरे आप बस इतनी कृपा कर दीजिए, कल्याण अपना कर सकूं, वरदान इतना दीजिए। सोचो सदा अपना सुहित, नहीं काम क्रोध विकार हो। हे नाथ गुरु आदेश का पालन सदा स्वीकार हो, पालन सदा स्वीकार हो।
गुरुदेव मेरे आप बस इतनी कृपा कर दीजिए कल्याण अपना कर सकूं वरदान इतना दीजिए दृढ़शील संयम व्रत धरूं नित ब्रह्मचर्य रखूं सदा सीता सुदर्शन संबनो निज आत्म सौख्य चखूं सदा निज आत्म सौख्य चखूं सदा माता सुता बहिना पिता दृष्टि विमल कर दीजिए गुरुदेव मेरे आप बस इतनी कृपा कर दीजिए कल्याण अपना कर सकूं वरदान इतना दीजिए सच्चा समर्पण भाव हो नहीं स्वार्थ की दुर्गंध हो विश्वास गात न हम करें हर श्वास में सौगंध हो हर श्वास में सौगंध हो हे नाथ गुरु विश्वास की डोरी अमर कर दीजिए गुरुदेव मेरे आप बस इतनी कृपा कर दीजिए कल्याण अपना कर सकूं वरदान इतना दीजिए उपकार जो मुझ पर किए गुरुवर भुला ना पाएंगे जब तक है तन में श्वास हम उपकार गुरु के गाएंगे उपकार गुरु के गाएंगे हम शिष्य हैं गुरु के ऋणी ऋण मुक्ति का वर दीजिए गुरुदेव मेरे आप बस इतनी कृपा कर दीजिए कल्याण अपना कर सकूं वरदान इतना दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वर्णिमा जी जैसा आपका नाम उतने ही स्वर्णिम स्वरों में और उतनी ही सुंदर भावना आपने भाई गुरु से भी हम यही वरदान मांगते हैं कि गुरु और क्या देंगे हम अपना कल्याण कर सकें ऐसी हम भावना भाते हैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग जिनको भी भजन आदि पसंद आ रहे हैं आप प्रस्तुतिकर्ता के लिए चैट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखें अब इन्हीं भावों को आगे बढ़ाते हुए कि हे गुरुवर हमारा कल्याण कैसे हो तो उन्हीं का पर्व चल रहा है इन 10 धर्मों का पर्व चल रहा है इन 10 धर्म जो हैं भादों के इस समय पर्व के लिए मैं अगली प्रस्तुति के लिए बुलाना चाहूंगा पारुल जी को पारुल जी आइए आप अपना भजन प्रस्तुत करें थैंक यू भैया दस लक्षण महापर्व आया आत्मशुद्धि का अवसर है लाया दस लक्षण महापर्व आया आत्मशुद्धि का अवसर है लाया हो सजने लगे घर द्वार सारे जैनों के भक्त रंगे हैं रंग में पर्युषण के लाए घर घर में त्योहार दस दिन भादों के लाए भक्ति का त्योहार दस दिन भादों के हो हो सुबह साकार जिन मंदिर में जाए पूजा अर्चना कर जिन वर को ध्याए सुबह साकार जिन मंदिर में जाए पूजा अर्चना कर जिन वर को ध्याए पुण्यों से झोली भरने का अवसर है ये भक्ति करने का भक्ति करने का झोली भरने का ओ जागे है शुभ भाव व्रत एकासन के प्रभु बीते तुम्हारे द्वार दस दिन भादों के प्रभु
बीते तुम्हारे द्वार 10 दिन भादों के हो हो क्षमा माधवा जव सत्य शौच संयम क्षमा माधवा जव सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य पालन तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य पालन 10 धर्मों का जो पालन हो मन ये हमारा पावन हो मन पावन हो मन पावन हो ओ श्रद्धा से गुण गान करे 10 धर्मों के ओ श्रद्धा से गुण गान करे 10 धर्मों के बने मुक्ति के आधार 10 दिन भादों के बने मुक्ति के आधार 10 दिन भादों के हो हो 10 लक्षण महापर्व आया आत्मशुद्धि का अवसर है लाया 10 लक्षण महापर्व आया आत्मशुद्धि का अवसर है लाया ओ सजने लगे घर द्वार सारे जैनों के भक्त रंगे हैं रंग में पर्युषण के लाए भक्ति का त्योहार 10 दिन भादों के को लाए घर घर में त्योहार 10 दिन भादों के लाए घर घर में त्योहार 10 दिन भादों के हो जय जिनेंद्र धन्यवाद पारुल जी आपके चेहरे पे वो दिख रहा था कि कितनी उत्सुकता से हम सब लोग 10 दिन भादों का प्रतीक्षा करते हैं उतना ही सुंदर भजन मेरे ख्याल से जैन धर्म की ही ये विशेषता है कि हम लोग जिस पर्व में त्याग करते हैं तप करते हैं हम लोग एकासन उपवास करते हैं उसकी भी हम इतने व्यग्रता से प्रतीक्षा करते हैं ये शक्ति हमारे भीतर कहाँ से आती है सोचने का विषय है। कई बार हम लोग दोस्तों के साथ भी बैठते हैं तो ये बात करते हैं विशेष रूप से कि जैन धर्म के बहुत सारे पर्व ऐसे हैं जो कि विच आर नॉट अबाउट फीस्टिंग दे आर अबाउट फास्टिंग लेकिन हम उसमें भी आनंद लेते हैं। ऐसी शक्ति ऐसी श्रद्धा हमारे पास कहाँ से आती है ये कथाचित भगवान महावीर के समावशरण से जो बात निकली वहीं से आती है। तो उन्हीं भावों को लेते हुए अगले भजन की तरफ चलते हैं। आइए मैं दिशा जिसको आमंत्रित करता हूँ कि दिशा जी आप भगवान महावीर के समावशरण का वो भजन हमें सुनाए। जी जय जिनेंद्र सभी को शुरू करती हूँ। श्री महावीर के समावशरण में जागे ज्ञान उजेरा वंदन प्रभु को है मेरा वंदन प्रभु को है मेरा श्री महावीर के समुशरण में जागे ज्ञान उजेरा वंदन है प्रभु को मेरा वंदन है प्रभु को मेरा जिनकी वाणी सुन सर सुर नर पशु सब सम्यक दर्शन पाते जिनके चरणों में आकर के भव भव के दुख कट जाते भव भव के दुख कट जाते ऐसे अरहंत प्रभु के गुण नित गाए यह मन मेरा वंदन प्रभु को है मेरा वंदन प्रभु को है मेरा जिनका लख मानस दंभ दंभ यह गा
जिनके पग तल में सुर मन सब पग पग में कमल रचाए, पग पग में कमल रचाए। शिरवीत राग सर्वज्ञ प्रभु ने शिवपुर डाला डेरा, वंदन प्रभु को है मेरा, वंदन प्रभु को है मेरा। जहाँ आके जन्म मरण मिटता, भोगी विपदाएं सारी। जहाँ कमलासन पर अंतरोध शोभा पाए त्रिपुरारी, शोभा पाए त्रिपुरारी। उनके चरणों में नमन पुजारी, करते सांझ सवेरा, वंदन प्रभु को है मेरा, वंदन प्रभु को है मेरा। श्री महावीर के शमो शरण में जागे ज्ञान उझेरा, वंदन प्रभु को है मेरा, वंदन प्रभु को है मेरा, वंदन प्रभु को है मेरा, वंदन प्रभु को है मेरा। जय जिनेंद्र सभी। वंदन प्रभु को है मेरा, बहुत सुंदर प्रस्तुति भाभी। भगवान के समो शरण में जाने की हम लोग आशा करते हैं, उसी भावना के साथ ये भजन था, बहुत सुंदर। बोलिए महावीर भगवान की जय हो। और मैं देख रहा था आपका जितने सुंदर शब्द चयन वाला ये भजन, मेरे को हाथ में एक डायरी भी दिखी, तो कभी हम वो डायरी भी देखना चाहेंगे जिससे सुंदर सुंदर भजन हम भी ले सकें। जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी काल के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, जिनसे जिनवाणी की ये जो अक्षुण्ण धारा है वहीं से शुरू हुई थी, उन आदिनाथ भगवान की भक्ति गाते हैं अब एक। उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा अरुणा जी को, आप आए और आदिनाथ भगवान की भक्ति में अपनी प्रस्तुति दें। जय जिनेंद्र सभी को। वाला आदिनाथ मैं तो पकड़ो तारो हाथ, मने दे जो सदा साथ हो। वाला आदिनाथ हो, आवे तुम्हें पास लई मुक्ति नी आश, मने करशो ना निराश हो। वाला आदिनाथ हो, तारा दर्शन थी मारा, नयनो ठरे छे, नयनो ठरे छे। रोमे रोमे आमारा पुल कित बने छे, पुल कित बने छे। भव भव नो मारो उतरे चे, थाक हूँ तो पाऊँ हड़वास हो। वाला आदिनाथ हो, भव भव नो मारो उतरे चे, थाक हूँ तो पाऊँ हड़वास हो। वाला आदिनाथ हो, तारी वाणी थी मारू मनडू ठरे छे, मनडू ठरे छे। कर्म वगणा मारी क्षण क्षण करे छे, क्षण क्षण करे छे। ठरी जाए छे मारा कषायो नी आग, छूटे राग द्वेष नी गांठ हो। वाला आदिनाथ हो, ठरी जाए छे मारा कषायो नी आग, छूटे राग द्वेष नी गांठ हो।
वाला दिन आते हो तारा ज्ञाति मारू हई उठरे छे तुझी पंते आगण वधवा सत्व मले छे टड़ी जाए छे मारो मोह अंधकार खिले ज्ञान अजवाश हो वाला आदिनाथ हो टड़ी जाए छे मारो मोह अंधकार खिले ज्ञान अजवाश हो वाला आदिनाथ हो तारु शासन पामी ने आत्म ठरे छे मोक्षे मार्ग माए तो स्थिर बने छे मल्यो तारु मार्ग मारा केवा सदे भाग मारा केवा धन्य भाग हो वाला दिनात हो मल्यो तारु मार्ग मारा केवा सदे भाग मारा केवा धन्य भाग हो वाला दिनात हो वाला दिनात में तो पकड़ियो तारो हाथ मने दे जो सदा साथ हो वाला दिनात हो जय जिने सभी को सॉरी जिसको हिंदी में नहीं समझ आया तो बिल्कुल माफ करेगा बिल्कुल हमको भाव समझ में आ गए वाला आदिनाथ हो तारी भक्ति नी आस बहुत सुंदर भजन और आपने आगे भगवान से मोक्ष भी मांग लिया वही हम सबकी भावना है और जैसे आपके पीछे झूम रही थी उसने भी आखिर में आपके साथ सुर मिलाया हम लोग भी म्यूट होते हुए आपके साथ सुर मिला रहे थे बहुत सुंदर करुणा जी एकदम लोग हम निकी जी के नाम से जानते हैं बहुत सुंदर भजन धन्यवाद थैंक यू तो मोक्ष गमन की ये जो भावना है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम वंदन करते हैं सभी मोक्षगामी जीवों को और इसी भावना के साथ एक भजन लेते हुए हम बुलाते हैं ऋचा जी को ऋचा जी आपका भजन प्रस्तुत करें और सभी अप्रिशिएट करते हुए अपने कमेंट्स चैट बॉक्स में डालते रहें जय जिनेन सभी को करता हूँ वंदना मोक्षकामी करता हूँ वंदना मोक्षकामी रह न जाए कोई मेरे साथ स्वामी प्रभु पार्श्व स्वामी करता हूँ वंदना मोक्षकामी मैं तो आया हूँ आस लगा के अभी जाऊंगा दर्शन पाके तेरे प्यासे नयन कैसे हो वे मगन तेरे प्यासे नयन कैसे हो वे मगन मैंने दर्शन तेरे त्रिभुवन स्वामी प्रभु पार्श्व स्वामी करता हूँ वंदना मोक्षकामी तेरे चरणों में शीश झुका के करूं वंदन तेरे गुण गा के तू है तारण तारण मुझे दे दो शरण तू है तारण तारण मुझे दे दो शरण मेरे कष्ट हरो अंतर्यामी प्रभु पार्श्व स्वामी करता हूँ वंदना मोक्षकामी तेरे जन्म जन्म के पुजारी दर पे आए है बन के भिखारी प्रभु दर्श दिया अब पार लगा प्रभु दर्श दिया
अब पार लगा हे भक्तों की यही पुकार स्वामी प्रभु पार्श्व स्वामी करता हूँ वंदना मोक्षिका में करता हूँ वंदना मोक्षिका में रहना चाहे कोई मेरे साथ स्वामी प्रभु पार्श्व स्वामी जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। बहुत सुंदर भजन करता हूँ वंदना मोक्ष गामी पार्श्वनाथ भगवान की जय। अभी हम लोग मंदिर में भी नित्य प्रति पार्श्वनाथ भगवान की ही पूजन कर रहे हैं तो ऐसे पार्श्वनाथ भगवान का बहुत सुंदर भजन। धन्यवाद ऋचा जी। अब कार्यक्रम के अंतिम प्रस्तुति के लिए मैं बुलाना चाहूंगा जिस स्वर को आप में से अधिकतम लोग अब जानते हैं सारिका जी को। सारिका जी अपने भजन प्रस्तुति लेके आ रही है ओ मोक्ष जाने वाले। So, सारिका जी आप आइए अपनी प्रस्तुति दीजिए। जय चिनेंद्र भैया। जय चिनेंद्र सभी को। ओ मोक्ष जाने वाले मेरा प्रणाम लेना ओ मोक्ष जाने वाले मेरा प्रणाम लेना 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 ओ मोक्ष जाने वाले मेरा प्रणाम लेना त्रिशला की दुलारे सिद्धार्थ की प्यारे त्रिशला की दुलारे सिद्धार्थ की प्यारे भगवन तुम्ही हमारे जीवन सफल बनाना ओ मोक्ष जाने वाले मेरा प्रणाम लेना दिल में हुआ अंधेरा कर दो प्रभु जाना दिल में हुआ अंधेरा कर दो प्रभु जाला सेवक शरण में आया प्रभु जी उसे उठाना ओ मोक्ष जाने वाले मेरा प्रणाम लेना प्रभु जी कहूँ मैं कैसे जिन धर्म की अवस्था प्रभु जी कहूँ मैं कैसे जिन धर्म की अवस्था जाता रहा हूँ नीचे प्रभु जी उसे उठाना ओ मोक्ष जाने वाले मेरा प्रणाम लेना। हमेशा की तरह बहुत सुंदर सारिका जी ओ मोक्ष जाने वाले मेरा प्रणाम लेना। तो हम सब भी ऐसे सभी मोक्षगामी जीवों को वंदन करते हैं। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति के साथ आज की भजन संध्या का हमने हमारी आखिरी प्रस्तुति थी। तो बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। अभी भी आरती के लिए जुड़े रहे हैं सभी लोग। दो मिनट में अपन आरती शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों को भी आदि पसंद है वो अभी भी अपने चैट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं और आरती के लिए बने रहे। सभी अब आरती करेंगे।